समाचार पत्र, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कि मुख्यमंत्री आखिर प्रयास कर रहे हैं तो शराबबंदी क्यों नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही है तो इसे वापस ले लेना चाहिए। NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष लगातार यह कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून फेल है, तो वहीं अब विपक्ष भी हमलावर है। और वहीं विपक्ष का यह साफ कहना है कि बिहार में शराब चालू जो है कर देना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। जब शराबबंदी कानून को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून फेल है, और जिसको देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून वापस ले लेना चाहिए। वहीं उन्होंने यह साफ कहा कि एक साल का अगर आकलन किया जाए बिहार में, तो तस्वीरें जो है वो दर्शाती है, जिस तरीके से न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर चलती है उसको देखते हुए नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून फेल है। तो जिसको देखते हुए नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून जो है वापस ले लेना चाहिए, वहीं शराब जो है बिहार में चालू कर देना चाहिए। वहीं क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वो सुने आप लोग। इस पर मुझे लगता है इस राज्य में पूरे एक साल के समाचार पत्र, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको संकलित करके देखा जाए कि मुख्यमंत्री आखिर प्रयास कर रहे हैं तो शराबबंदी क्यों नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही है तो इसे वापस ले लेना चाहिए। तो आपने सुना, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। जब शराबबंदी कानून को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि बिहार में शराब चालू कर देना चाहिए। आकलन किया जाए बिहार में तो सबसे ज्यादा बिहार में शराब बिकता है, बंदी के बावजूद लोग पीते हैं। तो वहीं जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आती है न्यूज़पेपर में, जो खबरें निकल के आती है, उसको देखते हुए उनका साफ कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून फेल है और बिहार में शराब चालू कर देना चाहिए। तो बता दें आपको कि लगातार सत्ता पक्ष में जो महागठबंधन दल के नेता हैं वो लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में शराब चालू कर देना चाहिए। वहीं बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी ने भी कई सवाल शराबबंदी कानून को लेकर खड़ा कर दिया था। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कहा था कि नेता कितना भी बोल लें बिहार में शराबबंदी कानून सफल नहीं है। तो वहीं मांझी ने कहा था 100 और 250 ml पीने वाले को नहीं पकड़ा जाए। तो वहीं बता दें आपको कि गिरिराज सिंह ने भी शराब चालू करने की बात कह दी। गिरिराज सिंह ने यह साफ कह दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून वापस लेना चाहिए और बिहार में शराब चालू कर देना चाहिए। तो बता दें आपको कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून फेल है और जिसको देखते हुए नीतीश कुमार को शराब जो है बिहार में चालू कर देना चाहिए, शराब खुलवा देना चाहिए जिससे बिहार में शराब बिके। क्योंकि देखा जाए तो लगातार ब्लैक में शराब बिकता है और शराब माफिया शराब बेचते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर जो है गिरिराज सिंह ने कई सवाल खड़ा कर दिया है। तो वहीं गिरिराज सिंह ने यह कह दिया है कि जिस तरीके से शराबबंदी कानून है उसको देखते हुए नीतीश कुमार को शराब चालू कर देना चाहिए। तो फिलहाल क्या कुछ कहते गिरिराज सिंह आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।